शेष राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर की सड़कों से मुंह पर हाथ रखकर गुजरना पड़ रहा है। इसी दौरान मीडिया के कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई हैं। वहीं राहगीरों से जब बात की गई तो स्वच्छ भारत अभियान योजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते नजर आ रहे हैं, जिनकी लापरवाही के चलते मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्र मुंह पर हाथ रखकर अपने घर जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि विद्यालय के टीचर भी इस कूड़े के दुर्गंध से परेशान हैं। रोजाना लाखों की संख्या में राहगीरों को भी गंदे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। देखिए, जब हमारे रिपोर्टर ने स्कूली छात्र, स्कूल की अध्यापिका, राहगीर और वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उन लोगों ने हमें क्या जानकारी दी। बाहर से रास्ते से गुजर रहे थे कुछ छात्र, हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि वो कहाँ से, मतलब कौन से विद्यालय के छात्र। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? शुएब। कौन से विद्यालय के छात्र? अच्छा, यहाँ से आप अभी आप गुजर रहे थे तो ये कूड़ा हर रोज ऐसे ही पड़ा रहता है बेटे? ऐसे ही घुस तक आ जाता है, स्कूल में बदबू आती है इसमें से। तो यही पास में आपका विद्यालय है तो उसकी गंध जो वहाँ तक जाती है विद्यालय तक, तो आपने कभी अपने अध्यापक या अध्यापकों ने कभी मतलब कहा नहीं कि यहाँ से कूड़ा हटना चाहिए? कभी नहीं हटता। तो किस तरह की दिक्कत आती है बेटे आपको? यहाँ से जब हम खाना खाते हैं बदबू आती है, और जब हम यहाँ से जाते हैं चूहे आ जाते हैं, यहाँ से अंदर यार यहाँ हो जाते हैं, जब बारिश पड़ जाती है पैर और ड्रेस गंदी हो जाती है हमारी, ड्रेस भी गंदी हो जाती है। तो क्या कहते हो बेटे योगी बाबा जी से? ये कूड़ा साफ होना चाहिए। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? तो बेटे अभी आप यहाँ से गुजर रहे थे, किस तरह का यहाँ पे ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है? बदबू आती है जब खाना खाते हैं, तो क्या चाहते हो यहाँ से? बेटे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, तो क्या कहोगे आप हमारे माध्यम से उनको? ये कचरा हट जाना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम मारिया सैंती है, मैं प्राथमिक विद्यालय ललिता कल्याण स्कूल की प्रधान अध्यापिका। अच्छा प्रधानाचार्य जी, सड़क पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है विद्यालय के बच्चों को दिक्कतें आती है? सड़क पे जो पड़ा हुआ कूड़ा है इसके ऊपर सारे जानवर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पिग, बैल, गाय जो फिरते रहते हैं, वो सारे यहीं से चारा चुगते हैं, और चुगने के बाद जैसे खाना बनता है ना स्कूल में, उसकी खुशबू सूंघ करके स्कूल में पहुंचते हैं जानवर जी। और जब हम दरवाजा बंद कर लेते हैं तो बैल को उसके अंदर टक्करें मारता है दरवाजे के अंदर खाना लेने के लिए, क्योंकि वो भूखे होते हैं। और पिग कभी भी घुस जाते हैं, कुत्ते कभी भी घुस जाते हैं, और कब्बे जो है यहाँ से खाना चुगते हैं और लेके उड़ते हैं कब्बे और चीले, तो सारा खाना उनके मुंह से मांस के टुकड़े वहां विद्यालय के ग्राउंड में गिरते हैं। पक्षी जो घायल करते हैं, बिल्ली वगैरह जो भी है पक्षियों को पकड़ती है, सारी उनकी लाशें जब हम सुबह स्कूल खोलते हैं तो पहले में सारा खून साफ करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को आप शिक्षा का मार्ग देते हैं और जब इस तरीके की ट्रेनिंग में गंदगी का अंबार और इस तरीके के मांस के चीपड़े बच्चों के सामने आते हैं तो उनके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं बच्चों को, बार बार पेट की या उबकाई आती है, पेट की बीमारियां हैं, बुखार में पड़े रहते हैं, बच्चों का शिक्षण कार्य बहुत बाधित होता है। जी जी जी, क्या अपील करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? मैं अपील करना ये चाहती हूँ कि जो पहली व्यवस्था करवाई थी वो बहुत अच्छी थी, वो किसी तरह से अब डिस्टर्ब हो गई है, उसी व्यवस्था को बहाल कर दें तो ये समस्या पहले भी हल हो गई थी, अब भी हो जाएगी। तो प्रधानाचार्य जी कभी शिकायत की गई है? हाँ, मैंने कई बार लिख करके दिया है डीएम के यहाँ, पड़ोसियों ने भी दिए, मैंने साइन कर रखे हैं, एप्लीकेशन लगाई कई बार। जितना भी पन्नी पॉलिथीन है सारा उड़ के गेट के आगे इकट्ठा हो जाता है, अधिकारी जब चेकिंग करने आते हैं वो हमें ये बोलते हैं कि आपने इतना गंदा स्कूल छोड़ रखा है, जबकि हम सुबह ही सफाई करते हैं, हमारे पास कर्मचारी भी नहीं है सफाई का, हम खुद ही सफाई करते हैं अपने आप ही। आपका नाम? विजय लक्ष्मी। अच्छा विजय लक्ष्मी जी, जहाँ पे आप खड़े हैं कौन सी जगह है? लद्दा वाला। अच्छा, देखा जा रहा है रोड पर भारी मात्रा में कूड़ा पड़ा है, किस तरीके की दिक्कत? अभी तो भारी शाम तुम 4 बजे तक देखे ऊपर तक चले लगे जी, सड़कों पे कूड़ा फैल रहा है सारे में, वो पन्निया कूड़ा कट्टे सब डालते हैं। पास में देखा जाए कुछ ही दूरी पे छोटे बच्चों का स्कूल भी है, स्कूल भी है, बैंक भी है, मंदिर भी है, हमारे तो दरवाजे तक ही आता है जी, बिल्कुल दरवाजे में ही है। तो माता जी किसकी लापरवाही मानते हैं?
लापर सरकार की है। और सरकार तो कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, समझेंगे स्वच्छ कर दिया जाए। तो क्या करा जाए बताओ, हम तो कहते ही हैं ना खोल कर, तो क्या किया जाए? नहीं हम ना सरकार सरकार का तो वो चलता है, एक बात कहते साहब हो जाता है, यहाँ गेट लगवा दो तो छुट्टी। क्या क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग मोदी जी और योगी जी? भाई हम तो ये चाहते हैं कि मार्केट बन जाए, कुछ ही बन जाए जी, व्यवस्था सही हो जाए। तो कभी इस बारे में शिकायत की गई है? हाँ कही गई, हमने ये मेंबर ने कहा यहाँ पे सड़क बनेगी, यहाँ पे मार्केट बनेगी, अब बना कुछ नहीं कहते बोलते हैं। कितने सालों से आश्वासन दिया जा रहा है? ये तो अभी जो गाँव चले थे ना आज हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लत्तावाला में। यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पर स्वास्थ्य विभाग भी है, पास में विद्यालय भी है और कैनरा बैंक भी है। यहाँ हर रोज लाखों की संख्या से राहगीर गुजरते हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ राहगीर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनके पीछे जो कूड़ा आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े की भरमार लगी हुई है। माता जी क्या नाम है आपका? राजवाला जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? ये पीछे की स्थिति जो आप देख रहे हैं किस तरह से? पहले कुछ होगी थी यहाँ पे सड़क बननी के लिए, इतना बुरा हाल है हमारे घर तक कूड़ा डालते हैं ये। अच्छा, केंद्र सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान की योजना चलाती है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च भी कर रही है, पास में स्वास्थ्य विभाग भी है, इस तरह से कूड़े से बीमारी भी फैल सकती है। क्या हमारे बच्चे बीमार रहते हैं? बहुत ज्यादा बीमार है। तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश? हाँ करी, पहले करी स्कूल के जरिए टीचरों से, तो क्या करना बच्चा वगैरह, फिर कोई किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहे हैं माता जी आप? नहीं फिर कूड़ेदान बनिया था, फिर कूड़ेदान भी फूक दिया, फिर कूड़ा घर तक जाने लगा हमारे बारह तक जा रहा है। मतलब कूड़े की स्थिति ऐसी है कि आपके घर तक चला? घर तक तो पूरा जाता है, जाने वालों को दिक्कत। यहाँ संबंधित अधिकारी जो ईओ साहब हैं उनके पास कभी शिकायत लेकर गए? क्या कहते हैं? कई जगह गए? आएंगे आप, चलो बताओ भाई क्या करेगा। तो ये स्थिति ऐसी हर रोज बनी रहती है? रोज है ना, सब ज्यादा है, आज तो कुछ कम है, बाकी इतना रहता है। अच्छा हमारे साथ एक राहगीर और है सर, आप यहाँ से गुजर रहे थे, क्या महसूस देता है ऐसी गंदगी से गुजरते हुए? बेटे मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ पुलिस का जी, और मैं यहाँ देखता हूँ रोजाना, यहाँ कूड़ा पड़ने से एक तो गंदगी बहुत है, पन्नी वगैरह जो है सारी सड़कों पर फैली फिरती है, मतलब सारे मोहल्ले में फैली हुई है। बच्चे जो है ना बीमार हो रहे हैं, गंदगी से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ संबंधित जो अधिकारी है जिनको जिम्मेवारी दी गई है साफ सफाई की, क्या वो लोग नहीं आते यहाँ पे? हमको तो कोई दिखाई दिया नहीं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ मतलब कूड़े के भरमार है, इससे क्या लग रहा है बच्चे बीमार हो रहे हैं? क्या बच्चे बीमार हो रहे हैं? मंदिर में पूजा वगैरह के लिए आते हैं लोग, बाग जाने उन्हें बहुत परेशानी होती है, बराबर मंदिर है। हमारे साथ कुछ राहगीर हो रहे हैं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि मैं आए नजदीक आए, किस तरह से यहाँ पर ये गंदगी लग गई है? जैसे आप पहली बात तो सर ये है कि देखो बड़ा सिटी हॉस्पिटल से उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, रोड बंद हो जाता है, इतनी गंदगी होती है, आने जाने वाले को देखो भाई साहब ये नाक खींच के और लेडीज जेंट्स सब निकलना पड़ता है। किसकी लापरवाही? पूजा के लिए मंदिर भी है, सब चीज यहाँ पर इस कूड़ेदान के पीछे सब कुछ है, ये स्कूल है कुछ ही चंद 10 कदम पर। तो अभी हमने देखा बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे स्कूल के विद्यालय के, नाक बीच बीच के निकलते हैं। तो सर अब ये तो आप देखो गवर्नमेंट है, मेंबर साहब है, सबको दिखाई देता है, ऑन रोड पर से भी कोई आता होगा, तो क्या कहता हूँ कि हमारे जिला मुजफ्फरनगर मेंबर कौन है यहाँ पे? अनिपाल जी है और काफी मेंबर है, 2-3 जो इसी अकॉर्डिंग करते हैं। तो सरकार से क्या, सरकार जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान योजना चलाती है, क्या कहना चाहते हैं? ये दिखाई देता है सर, सब देखने देखने के लिए होता है, साफ सामने दिखाई दे रहा है स्वच्छ भारत। अच्छा मौजूदा यहाँ सांसद हरेंद्र मलिक जी भी है, क्या उनके पास कभी शिकायत लेकर गए? उसके पास भी नहीं गए शायद, और अभी स्कीम बना रहे हैं जाने के लिए। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है जो यहाँ से गुजर रही थी, आप बता सकते हैं आप यहाँ से गुजर रहे थे कि क्या क्या किस तरह की स्थिति है? हॉस्पिटल आते जाते हैं तो हम देखते हैं हॉस्पिटल के ही बराबर गंदगी फैला रखी है, ये कोई अच्छी बात हो रही है? तो आप जिला चिकित्सालय में आप कार्य करते हैं? मैं आशा हूँ जिला अस्पताल में, ये मेरे एरिया में आता है, ये आपके एरिया में आता है, ये तो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होगा, ज्यादा ही हानिकारक है, बीमारियां फैल रही है इससे। तो जैसे आप डिपार्टमेंट से हो, आशा हो, तो आपने कभी शिकायत करने का, कभी उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराने का प्रयास किया? संबंध में क्या, आपने ही अब जो हमारे वार्ड मेंबर है हनीपाल सिंह, उनको ही बोला है
कोई और यहाँ सफाई हो भी गई थी लेकिन फिर वो हाल कर दिया। मेरा नाम असलम नाम है। असलम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ही मेरा सामने ही मकान। ये जिस स्थान पे खड़े हैं कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये मोहल्ला लद्दा वाला है। लद्दा वाला है और यहाँ पर शिकायत कई दफा नगर पालिका में करती है और ये डस्टबिन भी बने थे और इससे कोई भी विचार थी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ विधायक जी भी यहाँ जो है यहाँ इसका उद्घाटन करके गए थे पहले लेकिन गंदगी के आलम में सड़कों पे यहाँ कूड़ा आ जाता है, रोड भी जाम हो जाता है और जंगली जानवर जो है जंगली सुअर स्कूल के अंदर, यहाँ सामने स्कूल है और पास में ही मंदिर है, यहाँ गंदगी का ये आलम होता है कि यहाँ खड़ा होना भी दुश्वार हो जाता है। संबंधित अधिकारी के पास कभी आप गए? हम सब यहाँ पर मोहल्लेवासी जितने भी हैं सब यहाँ पर इकट्ठे होके गए लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो फिलहाल स्थिति बनी है मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि जो नीचे की स्थिति बनी है सड़कों पर ये किस तरह की स्थिति कब से बनी हुई है? ये लगभग एक साल से ज्यादा हो गया और दो साल पहले यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ वो हो गया था पूरा इंतजाम और जो यहाँ डस्टबिन चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि डस्टबिन यहाँ ये सफाई रहे यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह जितने भी गंदगी यहाँ डाले जाते हैं पूरे शहर का जितना भी डाला हुआ है यहीं पर डाला जा रहा है और जो है कोई भी कर्मचारी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है और अब ये कूड़े की स्थिति आपके सामने है। यहाँ जो भी जो है नगर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत योजना चलाई है लाखों करोड़ों रुपया खर्च भी करती है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर और ये डस्टबिन जो यहाँ रखे हुए हैं ये भी सारे खराब हो गए हैं और यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लग पा रहा है। जैसा सच अभियान चला था इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उपेंद्र जी आप यहाँ से जैसे गुजरते हैं इतनी गंदगी भरा माहौल है तो किस तरह से यहाँ क्या देखते हैं? बहुत बुरा हाल है जी। हर जगह आपने कांग्रेस चेयरमैन साहब भी आप लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मानता है इसमें किसकी लापरवाही है? नगर पालिका की लापरवाही है। नगर पालिका को आपने शिकायत की कभी? कई बार शिकायत कर दी। क्या बोलते हैं? भेजते हैं कि आप करा देंगे आप एप्लीकेशन लिख दो। तो ये दिन भर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है? पूरा दिन ऐसी रहता है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? कोई नहीं। सुबह का टाइम आता है बस एक बार वो पूरे दिन फिर ऐसी। अच्छा, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपया खर्च करके और नगर पालिका ईओ भी यहाँ दावे करती है कि साफ सफाई से संबंधित जनता दुनिया जान में कहो जाओ हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ तो यही है मामला। यहाँ संबंधित जो पार्षद है यानी नगर अध्यक्ष है वो कौन है? हनीपाल है। एक विधान लगता वाला का अलग है यानी सभासद इधर दिलशाद। आप देख सकते हैं स्वयं तस्वीरों में किस तरह से हमारे साथ एक बंदा हो रहा है उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जुबेर। जुबेर जी आप कह रहे थे हम लाखों शिकायत करी हमने कम से कम हम 10 से 15 दफा जा चुके हैं जी नगर पालिका भी चेयरमैन साहब के पास भी कोई सुनवाई नहीं। तो किस तरह का यहाँ मतलब माहौल है क्या? क्या मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ये स्थिति थी सर ये बनवाया था हमने यहाँ डस्टबिन और यहाँ से बंद हो चुका था बिल्कुल साफ हो चुका था जो हाजी इरफान मेंबर थे उन्होंने बिल्कुल साफ बंद करा चुके थे फिर दोबारा अस्पताल चौराहे का बंद कराकर जबरदस्ती यहाँ गिरवा रहे हैं। इस कूड़े के ढेर के पास में ही एक विद्यालय भी है, कैनरा बैंक भी है और साथ ही एक पूजा स्थल मंदिर भी है, कुछ ही दूरी पर जिला चिकित्सालय भी है लेकिन फिर भी ये स्थिति देखने के बाद भी शहर का नगर पालिका परिषद नहीं जागा। जब इस संबंध में मीडिया कर्मियों की टीम नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पास पहुंची तो अधिशासी प्रज्ञा सिंह छुट्टी पर मिली। इसके बाद बताया कि ईओ साहब का चार्ज अखंड प्रताप सिंह नामक अधिकारी पर मौजूद है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरह से सफाई व्यवस्था पर बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पूरे प्रकरण पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार बताएंगे। जब हमारी टीम अतुल कुमार के पास पहुंची तो पहले उन्होंने भी बताने से आनाकानी की। नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों की लापरवाही देखने और सुनने के बाद में नगर पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार द्वारा दी गई जानकारी और देखिए उन्होंने हर बार की तरह एक बार फिर रटा रटाए जवाब मीडिया को देकर अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया। अखंड प्रताप जी अब वो बोल रहे आपको देंगे सर 28% सर हमें समझ में नहीं आ रहा सर
जिम्मेदारी कौन जिम्मेदारी ये जो होगा वो करेगा। वो कह रहे हैं कि आप नहीं है हमसे कोई संग मुझसे पूछो। उन्होंने आपको फोन में मिलाया था अभी फोन से कहना जो तो बता हमें जो तो बना तो मैं कोई फोन कर लूंगा हमें पता है कि जिम्मेदारी है। ये साहब वही है भाई सीईओ को उनके पास है हाँ थोड़ा सा बता देना सर हमारा सफाई का मामला है अहिल्या भाई चौक से जो लद्दा वाले की तरफ को रास्ता जाता है सरकारी अस्पताल के हाँ पहले उसमें डलता था डस्टबिन वगैरह में लेकिन अब खुले में डलने लगा अंडरग्राउंड और सड़क पे डलने लगा उठवाते वाले डाल रहे नगर पालिका जगह नहीं है ये सारे शिक्षा में समय है कंपनी हमारा है हाँ सर वाइट उसी वाइट उसी तो सेकंडरी पॉइंट तक का हटाने का पूरा होने ठीक है हमारे तो सर ये देखो हम तो पूरी सड़क पे डाल दिया हटाने के बजाय तो ऑटो को भी उठा लेंगे अभी तो उठा लेंगे लेकिन फिर डालेंगे अभी तो उठा लेंगे आपके कहते फिर डालेंगे ऐसा नहीं अगर सूचना पर तो कोई ना किसी ने फोन कोई सूचना देना तो सर क्या हर रोज कोई सूचना देगा सर वहाँ डला होगा चयनित है वहाँ डेली डालता डेली उठ सकता इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता संजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। हम आज मौजूद है नगर पालिका में हमारे साथ संबंधित अधिकारी है लद्दा वाले में स्थिति हमने आपको दिखाई किस तरह से कूड़े का भरमार वहां पर लगा हुआ है विद्यालय को के जो छात्र हैं उनको कितनी समस्या आ रही है राहगीर को कितनी समस्या आ रही है हमारे साथ मौजूद है संबंधित अधिकारी उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की ये व्यवस्था है और ये कब तक व्यवस्था जो है कब तक सुचारू रूप से ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ भी ढलाव करते हैं हमारे टोटल शहर में 28 ढलाव करते हैं उनमें से ढलाव घरों को काफी हमने खत्म कर दिया है और एक दो बच्चे उनमें से मुख्य रूप से यहाँ जिला अस्पताल के बगल में जो गली है परसा वाला मतलब भारत स्टील नाम जानते हैं तो वहाँ पे ढला भर है वहाँ पे प्रतिदिन हमारे ढला घरों पे जो मतलब मोहल्ले वाला कूड़ा सुबह लाते रेडे क्योंकि रेडे प्लांट पे जा नहीं सकते छोटी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ तो हम लोग वहाँ प्लांट करके सेकेंडरी पॉइंट बनाया हुआ है उससे वहाँ डंपर और जेसीबी के माध्यम उठा करके प्लांट पे ले जाते हैं। सर जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ बड़ी गाड़ी भी जाती है और रिक्शा भी चल रही है कारें भी चल रही है तो आपके डंपर कैसे नहीं जा रहे नहीं डंपर वाला स्पेस जो है उसके पीछे जहाँ आप दिखा रहे फोटो क्योंकि टेबल में मेन रोड पे और मेन रोड पे छोटी गाड़ियों ने अगर डाला है तो उससे हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने मतलब वीडियो संज्ञान दिया है इसमें जांच कर कार्रवाई करी जाएगी। अच्छा सर छोटे छोटे बच्चे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार भी जोर दे रही है साफ सफाई पे जोर देते हैं आप लोग भी कार्य करते हैं साफ सफाई पे सर लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहां से नाक बंद करके निकलते हैं सर बीमारी का घर बना हुआ है इसमें जब तक मतलब पब्लिक जागरूक नहीं होगी कि ये रोड पे कूड़ा नहीं डालना है और मोहल्ले वाले क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ठेका है MITC कंपनी का और रोड पे कलेक्शन का ठेका है उसको हमने देखा कि जितने भी वार्ड हैं मतलब वार्डों में सबके घर घर जाके कूड़ा लेना है और किसी को भी केवल चिन्हित गाड़ियों को ही कूड़ा देना है अगर इस तरह से लोग नहीं कर रहे हैं नीचे पड़ेगा तो गंदगी फैलेगी गंदगी बीमारी फैलेंगी उस पर कंट्रोलिंग चल रही है करेंगे हम। सर अभी आपने बताया जागरूक वहाँ मोहल्ले वालों का कहना है कि हम लगभग 20 शिकायतें नगर पालिका को दे चुके हैं लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं ऐसा नहीं है पहले आज के करीब 3 महीने पहले जब ये कंपनी आई थी शुरुआत में वहाँ बहुत सारा कूड़े कटे लग गया था वहाँ पे सम्मानित पूर्व सभासद ने भी फोन किया था और उपने भी किया तो वहाँ पे कार्रवाई हुई काफी हमने ढलावर खत्म कर दिया वहाँ ऐसा नहीं जो डेली वाला कूड़ा है वो पड़ता है उसके कारण उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और मतलब ये जो नया सत्र आया है इसमें मतलब पैसे से वो रखा जाएगा नए कंप्यूटर मशीनें आ जाएंगी तो वहाँ पर नीचे डलना ही बंद करा देंगे। अच्छा सर नगर पालिका द्वारा कंपनी को टेंडर दिया हुआ है सर कंपनी का कार्य होता है कूड़ा उठाना न कि कूड़ा डालना लेकिन वहाँ एक वीडियो हमारे सामने आया है नगर पालिका जो रेड़ा चालक है वो कूड़ा सड़क पर ही डाल रहा है सर उनकी वीडियो दीजिए इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर वर्तमान में यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ सफाई के लिए लगी हुई है सफाई में 180 गाड़ियाँ हैं। कितने यहाँ पर लगभग कितने कर्मचारी हैं कर्मचारी अपने पास 961 जो है मतलब कर्मचारी है मतलब पालिका का और 314 कर्मचारी के आसपास वहाँ लगे मतलब कंपनी में
सर इतने कर्मचारी और इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी सर इस तरह की वीडियो इसने शिकायत पहले से सिखाते हैं हम सोच रहे हैं बात क्योंकि ढलावकर बता रहा मैं यहाँ पे करीब 28 से 28 में से 20-22 हमने खत्म कर रखे हैं, दो तीन बच्चे हैं जिसपे काम हो रहा है खत्म कर। तो क्या ये सरकार सर केंद्र सरकार राज्य सरकार योगी सरकार बीजेपी सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है क्या सर ये सरकार को बदनाम करने की कहीं साजिश तो नहीं है? साजिश कोई नहीं करेगा, सब सरकार के साथ ही काम करते हैं, सरकार के जो गाइडलाइन उस पर काम किया जाए उस पर ही काम करेंगे। मतलब रूल है कहीं भी मेरठ कूड़ा नहीं पड़ेगा, मतलब घर का कूड़ा अगर गाड़ी में पड़ा सीधा प्लांट जाना चाहिए क्योंकि प्लांट का रास्ता अभी खराब है, वहाँ पे छोटी गाड़ियां जा नहीं पा रही इसलिए समस्या है, छोटी गाड़ी के रास्ता जैसे ही सुचारू सब चलेगा शुरू हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ संबंधित अधिकारी ईओ का जिनको चार्ज है अतुल जी डॉक्टर जनपद मुजफ्फरनगर से, मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया मुजफ्फरनगर।